भूतिया आईना। बहुत समय पहले चार लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार में अशोक, अशोक की पत्नी और उनके दो बच्चे थे, जिनका नाम चीकू और बबली था। अशोक को अपने परिवार के साथ शहर में आए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन नए घर में आते ही अशोक की बेटी बबली का बर्ताव कुछ बदल सा गया था। बबली ज्यादातर या तो अकेले रहती थी या फिर आईने के सामने बैठकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, बबली, यूं अकेले बैठकर किससे बातें करती हो तुम? इस पर बबली ने कहा, मम्मी, मैं अपने एक दोस्त से बात करती हूँ जो मेरी आईने में रहता है। वो मुझसे बहुत सारी बातें करता है। ऐसे ही दिन बीतते गए और बबली का व्यवहार सबसे अलग होता जा रहा था। उसे घर के हर आईने में कोई ना कोई दिखाई देता था, जिससे वो रोज बातें किया करती थी और उसे अपना दोस्त बताती थी। अपनी बहन के बदलते व्यवहार को देखकर चीकू उस पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों के बाद चीकू को बबली के कमरे में से अजीब सी आवाजें आने लगी। चीकू बबली के कमरे में गया और अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगा। चीकू को आईने में एक परछाई दिखी, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। चीकू कमरे से भागकर अपने मम्मी पापा के पास गया। चीकू कुछ ना सुनते हुए अपने मम्मी पापा को बबली के कमरे में ले गया। अशोक और उसकी पत्नी ने आईने में देखा, लेकिन उन्हें वहां अपनी परछाई के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो गुस्से में चीकू से बोले, ये सब क्या है चीकू? ऐसा मजाक क्यों किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े हो गए हो और ऐसा मजाक? ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों चले गए और उनके जाते ही वो परछाई आईने में फिर से वापस आ गई। परछाई ने अपनी भारी आवाज में चीकू से कहा, क्या हुआ चीकू? मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? आवाज सुनते ही चीकू ने डर के पीछे देखा तो उसे वो परछाई आईने में नजर आई। परछाई देखते ही चीकू बहुत डर गया और कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अपनी जान बचाने के लिए चीकू ने उस परछाई की हाँ में हाँ मिला दी। ये सुनकर परछाई ने चीकू को कमरे से जाने दिया, लेकिन उस दिन से चीकू को भी वो परछाई घर के हर आईने में नजर आने लगी, जिसकी वजह से चीकू बहुत ज्यादा डरने लगा। चीकू उस परछाई से बचने के लिए घर से बाहर एक पार्क में चला गया। पार्क में चीकू को एक कोने में बबली बैठी हुई दिखी। चीकू बबली के पास जाकर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। चीकू परछाई से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। घर जाकर चीकू और बबली एक आईने के सामने गए और जैसे ही उन्हें वो परछाई नजर आई तो वो उस आईने को लेकर बबली के कमरे में चले गए। ऐसे ही एक एक करते हुए वो घर के सारे आईने उस कमरे में ले गए। तभी उन आईनों में से परछाइयों के चिल्लाने की आवाज आई। परछाइयों के चिल्लाने की आवाज अशोक और उसकी पत्नी को भी सुनाई देने लगी। वो दोनों भागते हुए बबली के कमरे में गए। परछाई दोबारा आईने में से बोली, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आईने में से परछाई को बोलते देख मम्मी बेहोश हो गई। तभी अशोक अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे कमरे में ले गया। थोड़ी देर में अशोक की पत्नी के होश में आने के बाद बबली और चीकू ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए।
उन्होंने फैसला किया कि वो लोग उस घर में नहीं रहेंगे। अशोक बबली के कमरे में रखे उन सब आईनों को वहीं लॉक करके उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ वहां से चले गए।